हाँ सर, हमने आपका सारी YouTube पे पड़े वीडियो देखे हैं, काफी अच्छे थे। और हमें जो प्रॉब्लम हम आपसे बताने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं हिम्मत आपके YouTube वीडियो को देखकर ही मिली है। हाँ हाँ बताइए। ईसा योग केंद्र का एक प्रोग्राम भी किया हुआ है जैन योगा से पहले, ये सामवेदी महाविद्यालय जो इनर इंजीनियरिंग करवाते हैं ना, वो भी हमने की हुई है। राइट राइट वो 1 साल पहले की हुई थी, और अभी आपका ये ज्ञान योगा कर रहे हैं तो सर सुबह सुबह उठ जाते हैं और एक वीडियो देखते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं, तो काफी अच्छा है, अच्छा अनुभव है। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर मेरे संग में प्रॉब्लम क्या हुई था, हालांकि थोड़ी सी ऑकवर्ड है प्रॉब्लम, वीडियो देखी है उससे ये काफी साहस मिला बताने को लेकर के। और कहीं ना कहीं क्या वो प्रॉब्लम बनती जा रही है, मतलब अभी क्या है वो इतना ज्यादा आत्मग्लानि का रूप ले लिया ना, कि अभी मुझे थायराइड भी हो गया उसके चक्कर में, है ना। तो सर वो मैं मतलब किसी से डिस्कस नहीं कर पा रही थी इस वजह से। तो सर एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, हाँ प्रॉबली 9th स्टैंडर्ड में थी, तब क्या हुआ मेरे अंदर ऐसी इच्छा जगी मास्टरबेशन की, है ना। तो हालांकि मुझे ये पता नहीं था सर कि मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन गिल्टी भी नहीं थी सर उसको लेकर के कोई भी, लेकिन मैं उसको करती चली गई। लेकिन मुझे तब पता चला वो चीज बिल्कुल ही समझ नहीं थी, और ना ही मेरा कोई शरीर कोई डेवलप हुआ था, ना कुछ भी था, और बिल्कुल समझ नहीं थी। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो उसके बाद जब उस गलती का एहसास हुआ, जब मुझे पेन हो गया उस जगह पे, ठीक है, तो जब उस जगह पे पेन हो गया तब मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है। तो अब पेरेंट्स से कैसे बताया जाए, है ना। तो पेरेंट्स से तो आप ये सब चीजें शेयर ही नहीं कर सकते हो। मेरे लिए अब आपके वीडियो देखने के बाद ये कोई प्रॉब्लम नहीं रही, ये जीवन का चक्र एक तरीके से एक नियम ही है ना, वेरी सही गुड सही वेरी गुड नियम वेरी ही। गुड। फिर क्या हुआ सर कि मुझे, मैंने एक बार अपनी मम्मी को ये इंडिकेशन दिया कि मम्मी मुझे उस जगह पे पेन हो गया है, तो वो जाकर के डॉक्टर के पास उन्होंने मेरे को दिखवाया, और लेकिन उसके बाद वो सर पेन नहीं गया, वो नहीं गया पेन, ठीक है। जब वो पेन नहीं गया तो अब दूसरी बार कहने की हिम्मत ही ना हो, और इतने में हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। तो फिर हमारे दिमाग पे ये लोड आ गया कि चलो अब जैसा है स्थिति जैसी है उसी में ही आपको करना है, और पढ़ना तो है ही, क्योंकि एक बहुत ही लो क्लास फैमिली से गए थे, और पापा पैसे लगा रहे थे, तो ये था कि नहीं पढ़ना है। और संग में सर वो प्रॉब्लम भी चल रही थी, बहुत पेन, उठने बैठने में पेन और पढ़ने में पेन, और वो दिमाग का मेंटल पेन, आत्मग्लानि की क्या किया क्या किया, मतलब सर ऐसी भी प्रॉब्लम लोगों के साथ हो सकती है, सोचिए। तो वो चीज हो रही, और संग संग में सर दिमाग में ये बैठता गया कि तुम गलत हो, यानी तुम बहुत गंदी लड़की हो, ठीक है। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पेन मुझे 8 साल रहा। अच्छा, हाँ, 8 साल। तो फिर मैंने 8 साल रहा, मैं 8 साल उस पेन के साथ रही, मेंटल पेन के साथ, शारीरिक पेन के साथ, ठीक है। तो जब क्या बोलते हैं, और संग संग में इसके साथ में ये भी बैठता गया मेरे दिमाग में कि मेरी अब शादी नहीं होगी, होते हैं ना बच्चों के मन में बहुत सारे थॉट, है ना, मेरी शादी नहीं होगी और पता नहीं मैंने क्या कर लिया, कुछ गलत हो गया ऐसे करके। फिर फाइनली जब मैंने फर्स्ट रिलेशनशिप अपना बनाया उस लड़के के साथ, तो मैंने उसको बताया कि मेरे संग में ऐसा हुआ, उसने कहा कोई बात नहीं है तो सभी करते हैं, लेकिन वो मेरे दिमाग से नहीं निकला, मुझे लगा नहीं मैंने कुछ गलत किया कुछ गलत किया। तो जब मैंने उसके साथ फर्स्ट रिलेशनशिप बनाया, देन मेरा पेन चला गया, ठीक है। हाँ वो पेन मेरा चला गया, लेकिन वो दिमाग से नहीं गया। फिर नौकरी के चक्कर में वो यादें नहीं रही, लेकिन जब मेरी जॉब लग गई ना सर, तो वो अचानक से अब वो आ रहा, वो आत्मग्लानि नहीं जा रही है। और पता है सर, सेल्फ डाउट, खुद पे सेल्फ डाउट, कि हमेशा सेल्फ डाउट रहता है कि हम सही है कि नहीं है, और वो ये लगता है कि यार जिससे मैरिज करेंगे पता नहीं उसको सेटिस्फेक्शन होगा नहीं, हालांकि सब कुछ पता है कि ये सब चीजें केवल ऊपरी ऊपरी है, कुछ नहीं है, लेकिन वो दिल में बैठ गया है एक आत्मग्लानि, गिल्टी, वो जाती नहीं है। तो सर मैं इसी के संबंध में आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये कैसे जाएगा। मुझे बताइए, आत्मग्लानी क्या होता है? जिसको आप आत्मग्लानी बुला रही हैं, वो क्या चीज़ है? सर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो पेरेंट्स को ना बता पाए, या जो हाँ जो पेरेंट्स को चीजें ना बता पाए, मेरा मन तो यही बोलता है। राइट, लेकिन आप किसी को नहीं बता पा रही, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रही हैं,
लेकिन आत्मग्लानि जब होती है तो उस समय आपके मन में थॉट्स क्या चलते हैं, क्या थॉट्स हैं जो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रही हैं? तो मुझे दिमाग में ये थॉट्स चलते हैं कि यार क्या बोलते हैं, ये इतनी हद तक बढ़ गया है कि मुझे ये लगता है कि मैं शादी करूंगी किसी से तो मैं उससे चीट करूंगी, मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी, इससे बेहतर मैं शादी नहीं करूंगी, ये सब चीजें चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये जो आत्मग्लानि की प्रॉब्लम है, गिल्ट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली मिस कैलकुलेशन की है। हमारा माइंड किस वजह से पता नहीं, लेकिन फ्यूचर के इवेंट्स को पहले से ही प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, भविष्य में क्या होगा, अगर मैं किसी के साथ शादी करूंगा या करूंगी तो उसके साथ मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और जैसे आपने कहा कि आपको ये लगता है कि शायद मैं चीट कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ अगर मैं मास्टरबेशन कर रही हूँ तो। अब चीटिंग का एक डेफिनेशन है, इसमें एकदम क्लियर डेफिनेशन है सोसाइटी का कि एक आदमी, एक औरत अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ शादी करके किसी और बंदे के साथ सोता है, सेक्स करता है या प्यार मोहब्बत करता है तो वो चीटिंग है। लेकिन जब आप अपने शरीर के साथ कुछ भी करती हैं उसको चीटिंग किसी भी डेफिनेशन से कहा नहीं जाता। तो हम लोग क्यों मानते हैं? हम लोग इसलिए मानते हैं बिकॉज जनरल सोसाइटी में सेक्स को खराब माना गया है और उसमें भी मास्टरबेशन को बहुत खराब माना गया है, बहुत खराब। हाँ, यहाँ तक कि जब हस्बैंड वाइफ भी शादी के बाद सेक्स करते हैं तो वो भी अपना छुप छुप के, दब दब के, कम कम में, और वो भी शर्म के साथ। इसलिए जो चुटकुले बनाए गए हैं सेक्स के रिलेटेड वो गंदे माने जाते हैं, इनको गंदे चुटकुले बोले जाते हैं। तो अब गिल्ट है क्या? अगर आपके मन में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये होता है, नहीं नहीं हम तो शादी कर लेंगे, एक के साथ सोएंगे, 10 के साथ, अगर आपके मन में ये भावना है तब ये गलत या सही है कि पता नहीं, लेकिन ये अपने आप में बहुत नुकसानदायक है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब आप एक बंदे के साथ शादी करते हैं तो एक के साथ ही आपको कनेक्ट करके पूरी लाइफ बिता पाना बड़ा मुश्किल है, तो जब आप 10 के साथ कनेक्ट करेंगे अपने बॉडी को और माइंड को, तो उस कंडीशन में उसको अपने माइंड के साथ मैनेज कर पाना और चला पाना बड़ा मुश्किल काम है। और वो इसीलिए गलत है क्योंकि वो मुश्किल है। आज की डेट में अगर कोई आदमी एक बच्चा पैदा करता है तो थोड़ा आसान है, उसको खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, लेकिन वहीं पर अगर चार बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पुराने जमाने में लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे तो किस तरह से पलते थे, कुछ तो मर जाते थे, कुछ लोग कमजोर रहते थे, किसी की पढ़ाई हो रही, किसी की नहीं हो रही, यहाँ तक कि जो अमीर होते हैं उनके बच्चे भी सबके सब बहुत अच्छे से पल नहीं पाते थे। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई घर छोड़ के भाग रहा है, ये तो बच्चों की बात कर रहा हूँ, और यहाँ तो बात हो रही है सेक्सुअल पार्टनर्स की। तो कोई भी चीज़ गलत क्यों है? क्योंकि उसका एक भविष्य है। अब बात आई मास्टरबेशन की, आपने फिजिकल बॉडी के साथ कुछ एक्सपीरियंस किया, और मेरे हिसाब से हम लोग मास्टरबेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज करके मेंटली अच्छा महसूस करती है। क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना कि वीडियो देखकर किया, मेरे मुझे कुछ पता ही नहीं था, मेरी उम्र थी नहीं, मेरे से तो अपने आप हो गया। बल्कि आपसे भी छोटे बच्चे करते हैं बहुत। मैं तो एक ऐसी बच्ची को जानता हूं जो मुश्किल से रही होगी 2.5 साल की, 2 साल की, और उसको तो पता भी नहीं था मास्टरबेशन क्या होता है। क्या तो बेचारी ऐसे सोती थी और अपने पैरों को टाइट कर लेती थी और सोती रहती थी, पैरों को टाइट कर लेती थी, बस ऐसा चलता रहता था। मेरे पास आई थी ऑलमोस्ट 30 साल की जब उम्र में आई थी, बोलती है तो मैं बचपन से करती थी, मुझे बाद में पता चला कि मास्टरबेशन है। सोचिए, जिस बच्चे को पता ही नहीं है क्या है मास्टरबेशन, तो उसके लिए तो मास्टरबेशन है भी नहीं। वो फिर सर ये गिल्ट कहाँ से आ गया? ये गिल्ट बाद में सोसाइटी में, सोसाइटी का इसके बारे में बहुत डार्क फीलिंग है, डार्क बातचीत की जाती है। और ये इसलिए है क्योंकि साधु सन्यासियों की बताई हुई बात को लोग जबरदस्ती फॉलो करने की कोशिश करना चाहते हैं। साधु सन्यासी लोग बोलते हैं भाई जब आप ब्रह्मचारी हो जाओगे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, एनलाइटमेंट हो जाएगा, लेकिन वो होगा तब जब आपका माइंड और बॉडी पूरी तरह से सेक्सुअलिटी के बियॉन्ड चला जाता है। लेकिन जब तक आप हैं, जब तक उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं, तब तक उसमें कोई डार्कनेस नहीं है। मान लीजिए मैं किसी के घर में, अगर सर वो डार्कनेस होता तो वो अपने आप कैसे आ जाता? देखिए डार्कनेस आ जाता है बहुत से लोगों के, ये फिजिकल वर्ल्ड ही अपने आप में डार्कनेस है देखा जाए तो। ये डार्कनेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जन्म है और मौत है, यहाँ पर सफरिंग है। सेक्स का डार्कनेस का वजह ये है क्योंकि यहाँ पर सफरिंग है। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि खाली सेक्स डार्क है, ये दुनिया ही अपने आप में डार्क है।
यहाँ पर आप किसी को, एक बंदे को प्यार करिए और खूब प्यार करिए, जब उसकी डेथ होगी या आपकी डेथ होगी दोनों बहुत सफ़र करेंगे। वो भी मरते समय बहुत दुखी होगा कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के जा रहा हूँ, बिल्कुल और वाइस वर्सा, हाँ जो बेचारा मर चुका है उसका जो बचता है वो तो दुखी होता ही है। तो जो डार्कनेस है एक्चुअली ये दुनिया ही डार्क है, लेकिन उसमें जो लोग भी कंफ्यूज्ड हैं उन्होंने ये कहा कि सेक्स डार्क है, हाँ राइट? तो अपने आप को ये बताइए, बिल्कुल ठीक है ये जो होता है जो वो नेचुरल है, ये डार्क या ब्राइट नहीं है, ये नेचुरल है। और ये इसलिए होता है, ये बॉडी इसलिए करती है बिकॉज बॉडी को माइंड की एनर्जी को रिलीज करना होता है, क्योंकि माइंड में अगर ये चीज़ चलता रहा, बेसिकली हम लोग माइंड हैं, हम लोग बॉडी नहीं हैं। हाँ जैसे एक घर होता है उसके मालिक होते हैं, और उस घर में नल होता है, बिल्डिंग होती है, तार होते हैं, लेकिन वो सब का सब मालिक के लिए होता है। ऐसे ही हम सब के सब मॉलिक्यूलर बॉडीज़ हैं, माइंड हैं, और उसको रिलीज करने के लिए बॉडी बनाई गई है। वो सेक्सुअली रिलीज करता है, खाना भी खाता है, जो कुछ भी करता है वो अपने आप को खुश रखने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए करता है। तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई आदमी शराब पीता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, कोई आदमी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, कोई आदमी मास्टरबेट करता है, और कुछ लोग किताब हाँ पढ़ते हैं, कुछ लोग भाई जाकर के योग ध्यान प्राणायाम करते हैं। ये सब अलग अलग तरीके हैं अपने ही माइंड को फ्रीडम देने के लिए, रिलीज करने के लिए। तो कुछ चीज़ों को बहुत अच्छा माना है साधुओं ने बिकॉज उसका हैंगओवर नहीं है। इसका हैंगओवर है तो ठीक है, अब जो चीज़ है वो है। अब छोटे बच्चे जब लिखना सीखते हैं तो बहुत सी मिस्टेक करते हैं, उसके लिए रबड़ का इजाद किया गया है, पेंसिल से लिखते हैं, मिटा देते हैं। ऐसे समझ के चलिए कि बचपन में आपने अपने माइंड को हल्का करने के लिए कुछ चीज़ें की और अब वो मिट गया। अब ऐसा, और अब भी मान लीजिए कभी आपको मास्टरबेशन करने का मन करता है, रेगुलर बेसिस पे करने का मन करता है, तो ये केवल एक तरह से इरेजर है आपका माइंड में। कुछ कंफ्यूज थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, या कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है वो भी नहीं जानते, बट जब मास्टरबेशन नहीं हो सर, जाता है। उसके बाद तो मैंने अपने निचले हिस्से को पूरा गलत ही मानना चालू कर दिया था। मैं तो नहाते वक्त भी अपना बहुत चेंज आया है सर। मैं अपने शरीर को पसंद नापसंद करने लगी थी एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूँ और ना कि ये कंफ्यूजन हम लोगों का, ये अनकॉन्शियस कन्फ्यूजन है। अगर मान लीजिए मैं एक दिन अचानक ऐसे ही मानना शुरू कर दूं कि मेरे घर के एक कोने में भूत है, और उस कोने में या उस कमरे में जाना ही बंद कर दूं, तो 6 महीने बाद मुझे ये पक्का हो जाएगा कि वहाँ भूत है, और बहुत इसका कोई वजह नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। है। हाँ तो इसके लिए आपको अपने ही शरीर को प्यार करना होगा, थैंक यू करना होगा। जैसे आपने कहा अब आप उसको ध्यान कम देती हैं तो उसको और साफ़ सुथरा रख करके ध्यान देना है, बिकॉज़ आपके बॉडी में अगर बीमारी होगी तो पूरे बॉडी में होगी। बॉडी तो ये नहीं कहेगा ना कि अच्छा ठीक है गंदा वाला पार्ट है इसको बीमार कर दे, अच्छे वाले को बीमार ना करे। तो इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि पूरा का पूरा सिंगल बॉडी है, या तो पूरी बॉडी ख़राब है या तो पूरी बॉडी शुद्ध है। और फिर से मैं रिवाइज़ करूँगा, पाप या खराबी या डार्कनेस ये पूरी की पूरी दुनिया ही है, इसके बियॉन्ड है फ्रीडम, एटर्निटी। और वो भी जब आप इसको देखना शुरू कर देंगे कि इसके बियॉन्ड जाता है, तो ये दुनिया उसके लिए बीज के रूप में हो सकती है। सेक्स एक बीज का रूप हो सकता है आपको डिविनिटी की तरफ जाने के लिए। तो उस कंडीशन में तो आपको और थैंकफुल फील करना चाहिए अगर आपकी बॉडी के पास कोई ऐसा जरिया है कि मास्टरबेशन करके, सेक्स करके अपने आप को हल्का फील कर सकता है, तो उसके लिए थैंक यू बोलिए अपनी बॉडी को हाँ, तब। क्योंकि एक तरीका प्रेशर कुकर ही हुआ ना यस 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 सर। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि बहुत मुझे कोई ऐसा मिला जो मैं बता पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। नहीं, आप बहुत बोल्ड हैं, मुझे भी बहुत बहुत खुशी है कि आप इस उम्र में इतनी जल्दी इतना बोल्डनेस के साथ अपनी प्रॉब्लम को आप टैकल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये दुनिया सीखे आपसे कुछ। सर आप ये प्रॉब्लम को जरूर रखिएगा, ज़रूर क्योंकि ज़रूर कोई भी ज़रूर, जानबूझ करके प्रॉब्लम में नहीं आता है। बहुत बिल्कुल 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 सारी चीजें होती हैं कि हमें अनकॉन्शियसली हमसे हो जाती है, हम उस चीज के लिए फिर खुद को दोषारोपण कर ले सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल। ना। मैं इस पर और लेकिन डिटेल ऐसा कवर करूँगा जी सर, जी। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू नीलम सो जी, मच। थैंक यू। सारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है। अलग अलग कोर्सेज करना है तो WBX बिजनेस के लिए है, BDM आपके डिसीजन मेकिंग के लिए है, जिनका बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए है, पेरेंटिंग का एक कोर्स है SPPT, और SPMT ब्रह्मचर्य का कोर्स है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। आज ही ज्वाइन करिए।